तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपने जीवन में हुए कुछ अनुभवों से कुछ साझा करना चाहूँगा जिसे जानकर आपके भी जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। तो ये बात तब की है जब मैं 10th क्लास में गया। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 10th बोर्ड होती है, और बचपन से ही समझ लीजिए जब हम 5वीं 6वीं में पहुँचते हैं तभी से ये बात शुरू हो जाती है कि 10th में 90% लाना 99% लाना कितनी बड़ी बात है, अगर कोई ये ले आए तो उसकी चांदी चांदी हो जाती है। तो मेरे भी मन में था कि मैं भी खूब नंबर लाऊं 10th में, मेरिट में आऊं, स्टेट में आऊं, मतलब ये लक्ष्य था, एक गोल था, एक सपना था। अब इसके लिए क्या था कि स्कूल बस से नहीं हो सकता था। मैंने देखा कि मेरे जो क्लास के बच्चे थे वो कोचिंग भी जा रहे थे, तो मैंने भी ये कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब कोचिंग तो मैंने ज्वाइन कर ली, वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होने लगी, लेकिन मैंने ये देखा कि लोग नंबर की भाग दौड़ में इतने लगे हुए हैं, परसेंट लाने की भाग दौड़ में इतने लगे हुए हैं कि वो कॉन्सेप्ट को समझने की बजाय उसे रटना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब कि मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन है, अब वो किस तरीके से, किस तरह, किस स्टेप से हो रहा है, उसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, इनमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था। वहाँ के अधिकतर बच्चे क्या करते थे कि उनकी सारी स्टेप को रट लेते थे। मतलब कोई कोई बच्चे तो ऐसे थे जिनको उनके आंसर भी याद रहते थे। अब बताइए, इसी तरह का एक वाक्य हुआ कि कोचिंग में एक लड़की थी जो टॉपर थी हमारी क्लास की, आप समझ लीजिए टॉप करती थी, तो कोचिंग में भी वो आती थी हमारी कोचिंग में ही। तो एक बार क्या हुआ कि स्कूल में सर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने, आपको पता होगा कि मैथ में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते तो हम उसको मान लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, शुरू में हम उसको मान लेते हैं, जैसे एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, फिर बाद में हम उसको प्रूव कर देते हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक मैथ के क्वेश्चन में मान लिया कि एक बस में 20 बच्चे हैं, मान लिया कि V है, तो लड़की बोली कि सर यहाँ पर X आएगा क्योंकि मैंने जो पढ़ा था उसमें X लिया गया था। तो मतलब आप सोचिए कि चीज़ें इतनी ज़्यादा रटी जाती है कि बेसिक चीज़ें लोगों को पता नहीं होती कि वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, हम X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं, Z ले सकते हैं, मतलब उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस लड़की ने उस सवाल को इस तरह रट लिया था कि एक भी अगर चीज़ उसकी अलग हुई तो वो असहज हो गई। तो यही मैंने देखा कि लोग चीज़ों को समझने से ज़्यादा रटने का प्रयास कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, परसेंट लाना, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट लाना। अब परसेंट लाने के चक्कर में लोग ये भी करते थे कि वो जो बुक में, जैसे कि हिंदी की बुक हो गई, इंग्लिश की बुक हो गई, तो उसमें जो चैप्टर होता था तो वो उसको पढ़ने की बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते थे। क्वेश्चन आंसर की गाइड आती थी, आज भी आती है, तो वो गाइड से फटाफट देख लेते थे, याद कर लेते थे। अब चैप्टर में क्या लिखा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं, जैसे रहीम के दोहे हो गए, कबीर के दोहे हो गए, सोचिए उनमें कितना ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन लोग उनको छोड़ देते थे। और गजब की बात कि टीचर भी स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, बोलते थे कि क्या करोगे पढ़ के, एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चलो मैं तुमको उनके आंसर बता देता हूँ, तो वो फटाफट से गाइड में देख देख के आंसर बता देते थे। तो मैंने यही देखा कि परसेंट लाने की होड़ में लोग एजुकेशन की बेसिक चीज़ भूल रहे हैं। एजुकेशन की बेसिक चीज़ क्या होती है, पढ़ाई क्यों है, पढ़ाई इसलिए है ताकि हमें काबिल बना सके, हमें कुछ सिखा सके, हमारे जीवन में नैतिक चीज़ें ला सके, हम अच्छाई की तरफ जा सके। तो मैं भी उस तरीके से लग गया, और जब मैं कोचिंग में, मुझे कोई सवाल समझ में नहीं आता था तो मैं टीचर से पूछता भी था, तो टीचर बोलते थे क्या करोगे समझ के, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। मतलब वो कुछ क्वेश्चन इसलिए छुड़वा देते थे क्योंकि वो पेपर में आने ही वाला नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए सिर्फ पेपर के लिए पढ़ाई होती थी, यानी कि अगर वो चीज़ पेपर में नहीं आएगी तो वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, इस तरीके का सोचिए माहौल था। साथ ही मैं टीचर की मानसिकताओं पर भी बात करूँगा। जो टीचर हमको कोचिंग में पढ़ाते थे वो थे तो ग्रेजुएट, अच्छे पढ़े लिखे थे, और शायद वो अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उनकी सोच बहुत ही गिरी हुई थी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई बच्चा आता था तो वो उसे ये पूछते थे कि भाई तेरी जाति क्या है। अब वो कास्ट उनकी ऊँची थी तो वो अपनी कास्ट पर घमंड करते थे कि मैं इस कास्ट का हूँ, और दहेज की बात करते थे कि अगर मैं सरकारी जॉब में लग गया तो मुझे इतना दहेज मिलेगा, मुझे सोने की चेन मिलेगी। मतलब सोचिए कि जो पुरानी कुरीतियाँ हैं जिन्होंने भारत का इतना नुकसान किया, भारतीय समाज का इतना नुकसान किया, लोगों का इतना शोषण हुआ, उन रीतियों को वो बड़े आम तरीके से कह देते हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो भाई अगर मैं सरकारी अफसर बन गया तो मुझे इतना दहेज मिलेगा, मैं इस जाति का हूँ तू तो उस जाति का है। तो ये सब देखकर, उस समय तो मैं छोटा था, उस समय मुझे इतना समझ में नहीं आता था, मैं भी सभी बच्चों की तरह परसेंटेज की दौड़ में रहा, और अच्छा खासा मैंने रट्टा मार कर 95% 10th में ला लिया। अब जैसा मैंने सोचा था कि भाई 10th में 95% अगर मैं ले आया 90 से ऊपर तो फिर तो मैं राजा बन जाऊँगा, मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर रियलिटी में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जैसे हज़ारों बच्चों के 95, 97, 96% आए थे,
तो इसमें कुछ अलग नहीं हुआ। उल्टा रटने के चक्कर में मैंने टेंथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा ही नहीं, बस मैंने रट लिया चीज़ों को और कुछ महीनों बाद में उसे भूल गया। इससे हुआ ये कि मुझे इलेवंथ में काफ़ी दिक्कत आई, ट्वेल्थ में काफ़ी दिक्कत आई। तो यही समझ में आया मुझे कि जो हमारी एजुकेशन है उसका पर्पस तो ये था कि इंसान अपने जीवन में कुछ सीखे, अपना विकास करे, लेकिन वो सिर्फ अब रह चुका है नौकरी पाने का साधन। यानी कि पढ़ाई करो, परसेंट लाओ, अच्छे परसेंट आए तो अच्छे कॉलेज में जाओ, नौकरी करो और मोटा पैसा कमाओ। मतलब आजकल शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पैसा हो गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यही मैंने देखा। उस समय तो मुझे बातें समझ नहीं आई, लेकिन आज समझ में आती हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना गड़बड़ हो चुका है आज के समय में। अगर हम बात करें वैदिक काल की, पुराने समय की, तो उस समय में शिक्षा काफ़ी बढ़िया थी। उस समय में लोगों को बाहरी ज्ञान के साथ साथ आंतरिक ज्ञान भी दिया जाता था। मतलब ये भी समझाया जाता था कि तुम कौन हो और इंसान की वृत्तियाँ क्या होती हैं, इंसान को जीवन में चाहिए क्या, इंसान को उद्देश्य क्या होता है। लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें तो गुल हैं। बस आपको ये बता दिया जाता है कि ये मशीन ऐसे काम करती है, मशीन वैसे काम करती है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि आप कौन हो, इंसान कौन है, इंसान की चेतना क्या होती है, इंसान की वृत्तियाँ कैसी होती हैं, इंसान को क्रोध क्यों आता है। और ये सब बातें अगर नहीं पता होती है तो ये होता है कि इंसान जो होता है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हार जाता है, जीवन भर डरा रहता है कि मेरे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। मतलब वो पूरा जीवन डर के साए में ही बिता देता है, तो जीता कहाँ है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैंने ये देखा, समाज में भी मैंने ये देखा कि हमें खुशी के बस जुमले दिए जाते हैं कि तू 10वीं पास कर ले तो तुझे ये मिल जाएगा, तू 12वीं पास कर ले तो तू ये हो जाएगा, अब 12वीं पास कर लिया तूने 90%, अब कॉलेज ले ले, अब नौकरी ले ले। मतलब बस ये बताया जाता है कि तू ये कर ले तो तेरे को खुशी मिल जाएगी। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमें एक आगे का और लक्ष्य दे दिया जाता है कि अब ये तो तूने कर लिया, अब आगे देख, आगे तुझे खुशी मिलेगी। करता जाता है इंसान, करता जाता है, लेकिन जीवन भर वो इसी रेट रेस में लगा रहता है, लेकिन उसे खुशी तो नहीं मिलती। इसलिए मैंने ट्वेल्थ के बाद कॉलेज की पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसके बजाय मैंने स्किल सीखने पर ध्यान दिया। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने वीडियो बनाना सीखा और यूट्यूब पर काम करना शुरू किया। क्योंकि वहाँ तक आते आते ट्वेल्थ तक मुझे समझ में आ गया था कि आज के समय में स्किल्स की ज़रूरत है। देखिए ट्वेल्थ और कॉलेज जो ग्रेजुएशन है वो तो सभी लोग कर रहे हैं। हमारे भारत में समझ लीजिए लाखों लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं लेकिन बेरोजगार हैं। तो आखिर वे कौन सी चीज़ है, लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। और वहाँ मुझे समझ में आया स्किल, लोग यहाँ पढ़े लिखे तो हैं, लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं लेकिन लोगों के पास कोई स्किल नहीं है। बस लोगों के पास डिग्रियाँ हैं, ज्ञान है, नॉलेज है, पर कोई स्किल नहीं है, उनको कुछ प्रैक्टिकली करना नहीं आता। बस उस डिग्री के सारे सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। हमारे यहाँ पर अधिकतर से ज़्यादा बच्चे तो सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। तो यही सब मैंने देखा और मुझे समझ में आया कि इस रेस में तो अब मुझे नहीं भागना। मुझे अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल जो जवानी के होते हैं वो किसी ऐसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में नहीं लगाना जहाँ 1% से भी कम चांस है। और मैं इतना पढ़ने में तेज़ भी नहीं था बचपन से, मैं तो रट के सिर्फ परसेंट लाया था, तो मुझे मेरी असलियत पता थी, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। तो कहने का मतलब ये है इन सब चीज़ों को देखकर कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो जिस लिए बनाया गया था उसका उद्देश्य पूरा होता मुझे नहीं दिख रहा है। लोग सिर्फ पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि अच्छी नौकरी पाए, अच्छा पैसा कमाए। अब वो पैसा अच्छे तरीके से कमाए चाहे बुरे तरीके से कमाए, लेकिन वो हाई एजुकेशन के बाद भी ये समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन के लिए सही क्या है, गलत क्या है। देखिए लोग परसेंट पाने के लिए चीटिंग भी कर रहे हैं। अभी जो नीट स्कीम हुआ उसमें क्या हुआ, लोगों ने पैसे दे देकर परसेंटेज पाया। मतलब कि लोगों के लिए परसेंट पाना इतना ज़रूरी हो गया कि वो सही गलत भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, अब मैं अपने पर आता हूँ कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई तो नहीं की, छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं है कि मैं ज्ञान से दूर हो गया। देखिए आज के समय में ज्ञान हर तरफ है, आपको बस लेना आना चाहिए। यूट्यूब खोलिए, मोबाइल खोलिए, आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। तो यही है कि मैंने पढ़ाई पूरी तरह नहीं छोड़ी है। मैं आज भी YouTube के माध्यम से सीखता रहता हूँ नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानता रहता हूँ। साथ ही मैं गीता के बारे में जानता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में जानता रहता हूँ, फिलोसॉफी पढ़ता रहता हूँ, जैसे भगवान बुद्ध हो गए, ऐसे बहुत सारे जो दार्शनिक हुए हैं उनके बारे में जानता रहता हूँ। कहने की बात यह है कि मैं अपने जीवन में उन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ जो मेरे जीवन में वास्तव में काम की हैं, बजाय उन चीज़ों की जो मुझे कॉलेज में पढ़ाई जाती और मेरे जीवन में कोई काम नहीं आती। तो दोस्तों ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब मेरा सवाल मम्मी से ये है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमेशा हमें खुशी के लिए दौड़ाता रहता है कि 10वीं पास कर लो तो खुशी मिल जाएगी, 12वीं पास कर लो तो खुशी मिल जाएगी, IIT क्रैक कर लो तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन वो खुशी होती है मात्र 2-3 पल की, उसके बाद फिर हम अगली दौड़ में लग जाते हैं। मतलब पूर्णता हमें कहीं मिलती ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने जीवन में शांति पा सकें, खुशी पा सकें,
और इस डर से आज़ाद हो सकें कि आगे अगर हमें नंबर नहीं आया, हमारी नौकरी नहीं लगी, हम जिस डर में जीते हैं, पल पल डर से इंसान मर रहा है, उस डर से हम कैसे मुक्त हो सकें। तो यही मेरा सवाल है मम्मी से। देखो, जैसे कि अभी आपने बोला ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ रटने के लिए है ना, मतलब वहाँ पे रटा रटाया चीज़ें की जा रही हैं ताकि डिग्री अच्छी आ सके और हमें सरकारी जॉब मिल सके। इसी तरह जो हमारा लाइफ एजुकेशन होता है, पहली बात तो बहुत कम लोग हैं जो लाइफ एजुकेशन लेते हैं। जब तक हम ज़िंदगी को नहीं समझेंगे, जब तक हम दुनिया को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक हमें खुशी कैसे मिल सकती है ना। तो जो ये गीता है ना, हम उसे भी इसी तरह से करते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। तो हम गीता के भी श्लोक रट लेते हैं और गीता में कृष्ण अर्जुन क्या करे कहानी के तौर पे सीख लेते हैं, लेकिन हम उससे ये नहीं सीख पाते कि वो हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, हमारे जीवन में वो क्या महत्व रखता है और उससे अपना के हम अपने जीवन में खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर वास्तविक आनंद चाहिए ना, तो सिर्फ सच का ही रास्ता है। तो खुशी और दुख ये मायने नहीं रखता, क्योंकि जीवन तो दुख ही है। जब से हम पैदा होते हैं तब से ही हमारा जीवन दुख में ही होता है। हमें हर दुख से मुक्ति पाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मतलब जब भी हमारे जीवन में दुख आए, जब भी बंधन आए, बंधनों में ही पैदा होते हैं, तो हमें उससे आज़ादी चाहिए, क्योंकि आज़ादी ही आनंद देता है ना। बाकी चीज़ें क्या होती है कि जिस तरह से आप थोड़े पल के लिए खुश हो गए, मतलब दुख आया है ना, अगर आपको पता नहीं है कि आत्मज्ञान क्या होता है, तो आप क्या करोगे कि जब दुख आता है तो आप चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हो, ठीक है, गले फाड़ फाड़ के। फिर दुख चला जाता है और खुशी आती है तो आप हंसने लगते हो। मतलब हमारे जीवन को कौन चला रहा है? दुनिया वाले चला रहे हैं, समाज चला रहा है। वो चाहे तो हमें दुखी कर दे, चाहे तो हमें खुशी कर दे। मतलब जितना दुख होता है उतना ही सुख होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि अगर संसार में कोई भी चीज़ है, अगर उसके पीछे आप भागोगे तो खुशी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जैसे धूप छाँव है, दिन रात है, सूरज चांद है, उसी तरह से दुख सुख भी हमारे जीवन में है। अगर आप ये सोचो कि आपके जीवन में सुख आ गया, आप कभी दुख आएगा ही नहीं, तो ऐसा संभव नहीं है। और अगर आप दुखी हो तो ये सोच के जीवन बर्बाद कर लेना कि अब कभी सुख नहीं आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। धैर्य रखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, और वो तभी समझ सकते हो जब आपको आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान का मतलब ये होता है कि अपने आप को देखना, आपके अंदर खुशी के लिए क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आपके विचार कहाँ से आ रहे हैं, क्या आप जो सोच रहे हो वो आपके खुद के विचार हैं या आपने जो देखा आसपास अपने पड़ोसियों को, उन सब चीज़ों से आप चाहते हो कि मुझे ये खुशी मिल जाए। तो जब तक आप दुनिया के पीछे भागते रहोगे, जब तक आप दुनिया को देख के चलते रहोगे, तब तक आप जिंदगी भर भागते रहोगे, लेकिन कभी भी आपको वास्तविक खुशी नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद एक ही चीज़ में है, आत्म अवलोकन, अपने आप को जानना। और इसीलिए तो जैसा कि आपका सवाल था कि खुशी, वास्तविक खुशी कहाँ है, कितना भी भागने में खुशी नहीं मिलती, तो आनंद कहाँ मिलेगा? आत्म अवलोकन में। जब तक आप अपने अंदर नहीं देखोगे, सिर्फ बाहर की ओर नज़र रखोगे और बाहरी दुनिया को देख के चलोगे, तब तक आप कभी आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमें किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है कि हमने कोई चीज़ पकड़ लिया या कुछ चीज़ हासिल कर लिया तो हमें खुशी मिल जाएगी। हमें बस जानना है जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, वो क्यों हो रही, कैसे हो रही और उसका मकसद क्या है। जब हम जान जाते हैं ना, तो फिर हम चीज़ों को करना नहीं छोड़ देते। देखिए, गीता से दूर क्यों लोग हो जाते हैं, इसका एक रीज़न है कि गीता से दूर लोग इसीलिए होते हैं कि उनको लगता है कि हम गीता पढ़ लेंगे ना, और गीता अगर हमें समझ में आ गई तो हमारा सब मोह माया छूट जाएगा, हमारे जो रिश्ते नाते हैं इनसे हमें दूर होना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि ये पल आएगा और आता है, क्योंकि आप जब सच के रास्ते पे चलते हो ना, तो झूठ आपके साथ नहीं रह सकता है। और ज़्यादातर हमारा समाज झूठ के रास्ते पे चलता है, ज़्यादातर झूठ में ही जीता है। तो ये होगा, लेकिन ये डर जो है ना कि ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गीता पढ़ने के बाद मेरे जीवन में हुई है। तो अगर आप डर रहे हो कि इसलिए गीता नहीं पढ़ना है, यही आपके दुख का कारण है ना। आपको सामना करना होगा, सच को जानना होगा। यही चीज़ें हैं, अगर आप इस रास्ते पे चलते हो, आत्मावलोकन करते हो, लाइफ एजुकेशन लेते हो, तो आप वास्तविक खुशी तक, वास्तविक आनंद तक पहुँच सकते हो। बाकी अगर आप कितना भी दुनिया के पीछे भाग लो, कुछ नहीं होने वाला है। और देखो, ये दुनिया है ना, ये एक पुल की तरह है। जो हमारे अंदर अहंकार होता है, जो वृत्ति होती है ना, वो हमें जन्म जात मिली हुई होती है। और हमारे अहम का एक ही मकसद होता है, मुक्ति तक जाना, है ना। अहम चाहता तो मुक्ति तक जाना है, लेकिन वो संसार में ऐसा फंस जाता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए फिर सारे झूठ गढ़ता रहता है। तो ये जो संसार है, ये पुल है, और इसको पार करके हमें मुक्ति तक जाना है। इसी में इसे पार करके जाना है, मतलब इसे छोड़ के नहीं जाना है, इसके साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को छोड़ देना है तब हमें मुक्ति मिलेगी। हमें इस संसार में ही रहना है। इस संसार में जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, उस साधन को अपने जीवन में अपनाना है।
और हम क्या गलती करते हैं कि हम पुल पे ही घर बना लेते हैं, मतलब ये दुनिया पुल है और हम इसी पे अपना घर बना लेते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं, हमें लगता है कि अब तो हमें यहाँ से जाना ही नहीं है और हम इतनी व्यवस्था अपने लिए बना लेते हैं, वही हमारे दुख का कारण हो जाता है कि हम उसे फिर छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं, और चीज़ें तो पकड़ के रखी नहीं जा सकती हैं। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ पुल है और इसका साधन है, इसे हमें बस उपयोग करना है उस पार जाने के लिए, उस दिन से आप वास्तविक जीवन समझ पाओगे और फिर आप चीज़ों का आनंद भी ले पाओगे, फिर वो चीज़ें आपको दुखी नहीं करेंगी। तो मम्मी ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया कि वास्तविक खुशी कहाँ है। साथ ही में एक छोटी सी चीज़ अगर हम करें तो शायद हमारी स्थिति थोड़ी और अच्छी हो सकती है, वो ये है कि फल पर ध्यान ना देना, सिर्फ कर्म पर ध्यान देना, जो कि श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म पर ही सिर्फ हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन बचपन से एजुकेशन सिस्टम हमें ये बता देता है या फिर हम कंडीशन हो जाते हैं कि हमारा सिर्फ ध्यान जो होता है फल पर होता है कि मुझे इतने परसेंट लाने ही लाने हैं। अब उसे होता है कि हमारा ध्यान अगर फल पर हो गया तो फिर कर्म पर जो हमारा ध्यान है वो नहीं रह जाता। देखिए यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगी आपको कि जैसा कि आपने बोला कर्म पे ध्यान देना है, हमें यहाँ कर्म पे भी फोकस नहीं करना है। फिर किस चीज़? ना हमें फल पे फोकस करना है, ना हमें कर्म पे फोकस करना है, हमें कर्ता पे फोकस करना है। करने वाला कौन है? अगर कर्ता सही है तो वो जो भी कर्म करेगा वो सही होगा और रिजल्ट भी सही ही आएगा। तो कर्ता कौन है? जो करने वाला है वो व्यक्ति कैसा है? क्या वो सच के साथ है? क्या वो झूठ के साथ है? क्या वो लालच के साथ है? क्या उसका मतलब उसकी वृत्तियां उस पे हावी हो रही है? उसकी भावना क्या है? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को बचपन से ये सब समझाया जाए, बचपन से ये सब पढ़ाया जाए, उसको समझाया जाए कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, क्या चीज आपको शांति देगी, शायद वो ऐसा हो ही जाएगा कि वो परसेंट के पीछे भागेगा ही नहीं, वो फिर जो करेगा ना वो सब सही होगा, क्योंकि अगर कर्ता सही हो गया ना तो कर्म अपने आप सही हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मतलब कि ये समझ में आया कि सबसे पहले हमको कर्ता पर ध्यान देना है, कर्म करने से पहले मतलब अपने आप पर आत्म अवलोकन करना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, इसको करने से क्या होगा, सिर्फ मेरा फायदा होगा या दूसरों का भी फायदा हो रहा है, या सिर्फ दूसरों का नुकसान हो रहा है मेरा फायदा हो रहा है, ये सब बहुत बारीकी से समझना होगा। मतलब क्वेश्चन करना होगा, खुद से सवाल करने की आदत डालनी होगी। एक बात और मुझे याद आ गई कि एजुकेशन सिस्टम जो है क्वेश्चन करना सिखाता ही नहीं है। आप अगर सवाल पूछोगे तो आपको बैठा दिया जाता है टीचर द्वारा कि भाई बैठ जा, इतनी छोटी सी बात तुझे समझ में नहीं आई। तो बचपन से बच्चा जब ये सब सुनता है तो धीरे धीरे वो क्वेश्चनिंग करना बंद कर देता है। तो ये भी चीज़ है कि जो हमारे स्कूल है, जो हमारे एजुकेशन है, उसका उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि बच्चे को क्वेश्चनिंग करना सिखाना और सही क्वेश्चनिंग करना सिखाना। तो यही सब चीज़ें कि अगर एक बच्चा ये सब सीख जाए बचपन से ही, बचपन से ही अगर उसको लाइफ की एजुकेशन दी जाए, बचपन से अगर उसको भागवत गीता जैसी चीज़ों से अवगत कराया जाए, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर वो अपने जीवन में खुद ब खुद खुशी का साधन ढूंढ लेगा, अपना लक्ष्य ढूंढ लेगा, उसके लिए फिर उसको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसा आपने बोला बचपन से जिज्ञासु होते हैं बच्चे, है ना, पूछते हैं, एक छोटे से छोटा सवाल करता है बच्चा जब वो देखता है कोई, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं उन्हें चुप करा देते हैं या झूठ बोल के बहका देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके पेरेंट्स कौन है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने ऊपर काम करना है, है ना, परवरिश कैसे की जाना चाहिए, आत्म अवलोकन पेरेंट्स का पहले खुद होना चाहिए, तब तो बच्चों को सिखा पाएंगे, है ना। तो ये बहुत लंबा रास्ता है और यहीं से हमें शुरुआत करना होगा अगर अभी तक आप पेरेंट्स नहीं बने। चलिए देखिए, ये जो आपने पेरेंटिंग की बात उठाई है ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और अगर हम इस पर विषय कर और अगर हम इस पर चर्चा करने बैठ गए तो ये भी एक लंबा टॉपिक है पेरेंटिंग के ऊपर, तो इस विषय को हम किसी और दिन उठाएंगे। अभी फिलहाल जो हमने बात करी, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा और अपने जीवन में मेरे अनुभव से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऑफर देना चाहती हूँ, ऑप्शन की तरह है, ऑफर भी समझ लीजिए कि अगर आप हमारे इस चैनल से, इस पेज से जुड़े रहे तो जो आप गीता से दूर भाग रहे ना, हम आपको गीता सरल शब्दों में और सही मायने आपके जीवन के लिए क्यों उपयोगी और कैसे उपयोगी हो सकते हैं ये चीज़ें भी इस पेज पे लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे सोच रहे हैं कि जो चीज़ें हमें समझ में आ रही है वो मैं आपको भी समझाऊं। तो अगर आप लोग भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और वास्तविक खुशी, वास्तविक आनंद जानना चाहते हैं तो आप इस पेज को फॉलो, सब्सक्राइब YouTube चैनल को ज़रूर कर लें ताकि वो चीज़ें आपसे मिस ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान रास्ता है जीवन को सही तरह से समझने की शुरुआत करने का, ये पेज आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।